एवरीवन, ईपी के हमेशा आपको एक्सक्लूसिवली बॉक्स ऑफिस न्यूज तो देता ही रहा है, मगर आज हम आपको अब तक की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस न्यूज देने जा रहे हैं। जवानी फिर नहीं आ रही 37 करोड़ का बिजनेस करके पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली फिल्म तो बहुत पहले बन गई थी, मगर अब जवानी फिर नहीं आ रही 2 पाकिस्तान की वो पहली फिल्म बन गई है जिसने 50 करोड़ का बैरियर क्रॉस कर लिया है। पिछले दिनों ईपीके ने 2 मेजर स्टोरीज की, एक नदीम बेग पर कि उनकी पहली तीनों फिल्म्स ही अपने मुल्क की हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म्स होने का यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट कर चुकी हैं, और दूसरी ये कि आफ्टर अ कलेक्टिव बिजनेस ऑफ 150 करोड़, हुमायूं सईद हैज बिकम बॉक्स ऑफिस किंग इन पाकिस्तान। वेल, ये बड़ी खबरें तो हमने आपको दे दी हैं, लेकिन अब बात करते हैं नदीम बेग और हुमायूं सईद के एक ऐसी अनाउंसमेंट की जिसके बाद हम और उनके तमाम दोस्त शॉक में हैं। अमूमन ऐसी कामयाब फिल्म बनाने के बाद दुनिया भर के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स अपने अगले फिल्म प्रोजेक्ट्स के बारे में अनाउंस करते हैं, मगर यहाँ तो मामला ही उलट है। नदीम बेग ने अनाउंसमेंट तो की है, मगर किसी मेगा बजट फिल्म की नहीं, बल्कि एक टीवी ड्रामे की। आप भी सोच रहे होंगे कि इसमें इतना शौक होने वाली क्या बात है। किसी भी डायरेक्टर का अल्टीमेट गोल एक फिल्म बनाना होता है, और जब उसकी फिल्म कामयाब हो जाए फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखता। अब इस डिसीजन का बैकग्राउंड क्या है ये तो वो खुद ही बता सकते हैं, मगर नदीम और हुमायूं के क्लोज फ्रेंड्स ना सिर्फ शौक में है, बल्कि हमारे इनसाइड इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वासे चौधरी ने तो उनको आड़े हाथों भी लिया है। हमारी नदीम बेग और हुमायूं से रिक्वेस्ट है कि वो अपने नेक्स्ट फिल्म प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट करें, क्योंकि ऑडियंस अब उनको सिल्वर स्क्रीन पर देखना चाहती है, छोटी स्क्रीन पर नहीं। दैट्स इट फॉर नाउ, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज़।